नमस्कार, स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस पर। एग्ज़ाम टू द पॉइंट में आज अपनी परिचर्चा का जो विषय है, आज अपने टॉपिक लेके हैं दोस्तों, वो है बाल अपराध। राजस्थान पुलिस की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रही हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें अपने 200 सवाल कवर करेंगे, जिसमें 100 फर्स्ट पार्ट में और 100 सेकंड पार्ट में सम्मिलित किए जाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही चुनिंदा सवालों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी साथी नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते लेते हैं ये 10 सवाल। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम अपराध संबंधी कानून पॉक्सो एक्ट 2012, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल नीति 2013, किशोर न्याय अधिनियम 2015। अब इसकी कुछ उपयोगी धाराएं हैं और कुछ चाइल्ड लाइन सेवाएं भी हैं और कुछ पोर्टल के नाम भी हैं, जो अपने सारे इसमें कवर करेंगे। चलिए अपने देख लेते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक की संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई स्त्री विवाह में उपस्थित होती है या भाग लेती है तो यह ऑप्शन ए कारावास से दंडनीय होगी, ऑप्शन बी कारावास से दंडनीय नहीं होगी, ऑप्शन सी कोई अपराध नहीं किया और ऑप्शन डी 3 लाख का तक का जुर्माना देगी। 10 सेकंड आपके पास दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर मन में सोच लीजिए और देखिए आपके कितने सही होते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कारावास से दंडनीय नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, निबल में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? ऑप्शन ए माता पिता द्वारा बाल विवाह का आयोजन करना, ऑप्शन बी ये होटल है दोस्तों, होटल में काम करने वाला बच्चा, ऑप्शन सी माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा और ऑप्शन डी कानून विधियों से पृथक कन्या भ्रूण का गर्भपात। 10 सेकंड आपके पास दोस्तों, सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होएगा। वैसे आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी है, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश करना, ये कोई भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, पॉक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था पूरे भारतवर्ष में? ऑप्शन ए 14 नवंबर 2012 को, ऑप्शन बी 14 दिसंबर 2012 को, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2013 को और ऑप्शन डी 14 जुलाई 2012 को। 10 सेकंड आपके पास, उत्तर सोच लीजिए आपका कौन सा आंसर सही होएगा। तो चलिए इसका उत्तर होएगा 14 नवंबर 2012। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र की आयु का व्यक्ति नाबालिग होएगा? ऑप्शन ए 16 वर्ष से कम, ऑप्शन बी 17 वर्ष से कम, ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम और ऑप्शन डी 14 वर्ष से कम। 10 सेकंड आपके पास, उत्तर मन में सोच लीजिए। तो दोस्तों हम बता दें, ऑप्शन सी इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा, 18 वर्ष से कम उम्र को नाबालिग माना गया है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए अप्रैल 2018 में, ऑप्शन बी अप्रैल 2017 में, ऑप्शन सी अप्रैल 2016 में और ऑप्शन डी अप्रैल 2015 में। 10 सेकंड आपके पास, उत्तर इसका सोच लीजिए। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका अप्रैल, ऑप्शन ए अप्रैल 2018 में मंजूरी मिली है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, पॉक्सो अधिनियम के धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए
कारावास से दंडित किया जाएगा। ऑप्शन ए 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 1 वर्ष के लिए और ऑप्शन डी 10 वर्ष के लिए। 10 सेकंड आपके पास, उत्तर मन में सोच लीजिए और देखिए आपके कितने सही होते हैं 10 वालों में से। इसका उत्तर होएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 10 वर्ष के लिए न्यूनतम कारावास और आजीवन कारावास अधिकतम तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पोक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2013 में, ऑप्शन सी 2014 में और ऑप्शन डी 2015 में। 10 सेकंड आपके पास, उत्तर मन में सोच लीजिए, देखते हैं कितने सही होते हैं आपके। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 2012 में पोक्सो एक्ट है जो कि लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, पोक्सो एक्ट की किस धारा के अंतर्गत प्रवेजन लैंगिक हमले के अंतर्गत दोषी को न्यूनतम 7 वर्ष की सजा होगी? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 6 और ऑप्शन डी धारा 7। 10 सेकंड है दोस्तों आपके पास, मन में उत्तर सोच लीजिए कौन सा उत्तर सही होएगा। तो इसका उत्तर होएगा धारा 4 के अंतर्गत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, गुरुतर प्रिवेंशन लैंगिक हमले में क्या शामिल है? यह पोक्सो एक्ट की किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 5 में, ऑप्शन बी धारा 6 में, ऑप्शन सी धारा 7 में और ऑप्शन डी धारा 8 में। 10 सेकंड आपके पास दोस्तों, उत्तर सोच लीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए धारा 5 में इसके बारे में बताया गया है विवरण से। आज का क्वेश्चन 20 नंबर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, जो कोई भी गुरुतर प्रिवेंशन लैंगिक हमला करेगा पोक्सो एक्ट की किस धारा के तहत उसे न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है? ऑप्शन ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 3 और ऑप्शन डी धारा 6। दोस्तों इसका उत्तर होएगा ऑप्शन डी धारा 6। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 10 सवालों में से कुल कितने सवाल सही हुए हैं और आपकी तैयारी कैसी है। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।